70 साल तक हमने कभी देश बदलते नहीं देखा। सत्ता की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। जमीन पर किसका शोर, किसका होगा जोर? 5 चरण पूरे होने के बाद आप पूछ रहे हैं जमीन पर किसका शोर, जमीन पर किसका शोर? आप जाकर देखिए क्या से क्या हो गया। देश की जनता, देश की माताएं, देश की बहनें, देश का युवा, देश का बुजुर्ग, जब अगर देश का जो बुजुर्ग वोट देने जाता है, 90 साल का बुजुर्ग, और जब वोट दे के बाहर आता है वो ये कहता है कि 70 साल तक हमने कभी देश बदलते नहीं देखा, वो देश हमने बदलते हुए देखा है। जब 18 साल का नौजवान पहली बार वोट देता है वो यही कहता है कि हमें यही भारत चाहिए जो घर में घुसकर मारता है। फिर भी आप कह रहे हैं कैसा शोर? पाकिस्तान में शोर है, अमेरिका में शोर है, विदेशी धरती पर शोर है, फिर भी आप पूछ रहे हैं कैसा शोर? 2014 से पहले भारत में होता था, भारत के कश्मीर में कश्मीर के लोग आजादी की मांग करते थे। आज 2024 में जब आप खड़े हैं, पीओके में आजादी की मांग होती है, यही बदला है भारत, यही कह रहा है शोर। अब 70 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 70 साल में बदलाव हुआ है तभी तो मोदी जी आज है। पहले भ्रष्टाचार की लूट थी, ये हम थोड़ी कहते थे, आप लोग कहते थे, चाहे 2G हो, 3G हो, जीजा जी हो, सीडब्ल्यू जी हो, जितने भी घोटाले थे सबके सब A to Z होते थे। अब की बार इस 2014 से 24 के राज में किसानों के ऊपर बात होती है, 14 से 24 के राज में महिलाओं के सम्मान की बात होती है, 14 से 24 के राज में सेना को सशक्त बनाया जाता है, 14 से 24 के राज में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, 14 से 24 के राज में विदेशी धरती पर भारत का डंका बजता है, यही बदला है। तो फिर G20 के बाद मोदी जी ने झोपड़ियां क्यों हटवा दी थी? देखिए CWG में तो घोटाले हुए थे ये आपने कहा, लेकिन G20 में झोपड़ियां हट गई। आप जाकर देखिए G20 से कितना बड़ा बदलाव हुआ है। G20 जब भारत ने किया है, एक घोटाले का आरोप, किसी विपक्ष के नेता की हिम्मत नहीं कि कोई एक आरोप लगा दे, लेकिन G20 में भारत ने अपना माथा ऊपर किया। और हमारे बगल वाले जो आजकल आटा मांग रहे हैं, जो देश आटा मांग रहे हैं, उनको हमने अपनी औकात दिखाई है। भारत आज उभरता हुआ भारत है, इसलिए उनके पूर्व मंत्री भी कहते हैं कि ये भारत अब आता जाता है, हमें घर में घुसकर ठोक कर चला जाता है, ये बदलता हुआ भारत। कैसा विकास आने वाले समय में आप देखना चाहेंगे कि और क्या विकास करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं, 2019 के अंदर राज्यसभा में सदन के पटल पर स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मोदी जी 2019 में आप चुनकर आएंगे, 2024 में जब आप खड़े हैं राज्यसभा में सदन के पटल पर, खड़गे साहब ने भी कहा था मोदी जी अब की बार 400 पार विकसित भारत के निर्माण के लिए। लेकिन विपक्षी पार्टी का तो कहना है ना कि ऐसी बोल रहे हैं 400 पार गए ना, 300 भी नहीं पार होंगे। एक बात बताइए, आप जाकर इनसे विपक्ष वालों से पूछिए क्या स्थिति है इनकी। आप राहुल गांधी जी से पूछे, राहुल गांधी जी कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ रही है, आम आदमी पार्टी वालों से पूछे कितने सीटों पर लड़ रही है। ये लोग जमानत बचाने की लड़ाई है। सत्ता की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। सत्ता तो मिल चुकी है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती है, देश की जनता को नेता चुनना होता है, तो देश की जनता ने तो नेता चुन रखा है जी। उनके पास न नेता है, न नीति है, न नियत है, और इधर तो नेता भी है, नीति भी है, और नियत भी है। नियत देख लीजिए, आज कश्मीर से लेकर चांद तक झंडा चलाना है, हमें देश चलाना है। जो अपने आप को नहीं चला सकते वो देश क्या चलाएंगे? तो हमें ना, आपको पता है नेता कौन है भैया, जो अपने सेहत का ख्याल नहीं रख सकते। एक तरफ मोदी जी पूरा देश चला रहे हैं, पूरे विश्व को आज ग्लोबल लीडर के नाम से जाने जाते हैं। साहब हमारे पास ग्लोबल